हे फ्रेंड्स, मेरा नाम पुनीत है और मैं आईफोन रिपेयरिंग के रिगार्डिंग नई नई टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप ये प्लेलिस्ट है तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी पूरी डिटेल में फर्स्ट लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक देखो तो आपको आईफोन रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा डीपली समझ आएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हम आईफोन में बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, जो बिल्कुल चेंजेबल नहीं है किसी भी कंडीशन में। तो वो आपके दो पार्ट है, एक तो आपका मेन सीपीयू हो जाता है जिसको हम A10, A11, A12 अकॉर्डिंग टू मॉडल्स बोलते हैं। तो बात करेंगे कि आईफोन 6 में आपका सीपीयू आता है A8 आता है, उसके बाद ऐसे ही अकॉर्डिंग टू मॉडल वो अपना A9, A10, A11 ऐसा चलता रहता है। तो एक तो आपका मेन जो सीपीयू आता है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका सीपीयू ख़राब हो जाता है तो कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है, ना हम रीड कर सकते हैं ना राइट कर सकते हैं, उसका कोई हल नहीं है। आपका सेट उस कंडीशन में बिल्कुल डैमेज हो जाता है। एक आपका सीपीयू आता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा आपका आता है बेसमेंट सीपीयू, जिसको हम बेबी सीपीयू भी बोलते हैं, वो भी एक ऐसी कंडीशन हो जाती है। अगर आपका बेसमेंट सीपीयू ख़राब हो जाता है, डैमेज होता है, घूम जाता है या टूट जाता है, तो कोई भी ऐसी कंडीशन आती है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका बेसमेंट सीपीयू ख़राब हो जाता है उस कंडीशन में आपका सेट ऑन रहेगा, उस टाइम पे आपके सेट में IMEI नंबर नहीं शो करेगा या आपका सेट में कोई नेटवर्क नहीं आएगा, उस कंडीशन में आपका सेट ऑन तो रहेगा। जैसे आपका अगर मेन सीपीयू डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका सेट ऑन नहीं रहेगा किसी भी कंडीशन में, बट अगर आपका बेसमेंट सीपीयू ख़राब होता है तो उस कंडीशन में आपका सेट एटलीस्ट ऑन रहेगा। आपका कैमरा फंक्शन या कुछ भी वाईफाई फंक्शन, सारे फंक्शन वर्क करते रहेंगे, बस आप उस अपने फ़ोन से कॉलिंग नहीं कर सकते। व्हाट्सएप कॉलिंग तो आप कर सकते हो बट आप नॉर्मल कॉलिंग नहीं कर सकते। तो होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।